नमस्कार दोस्तों, आज जो हम आपको दिखा रहे हैं अपनी एक प्रीपेटी डिवाइस और केन चोपर, आप ये देख रहे होंगे कि नाइफ की असेंबली हो गई है। ये नाइफ जो होता है ये डबल एज का है, ये देख रहे होंगे, एक एज ये है, दूसरा एज ये है। एक एज से गन्ना जो है, जो क्रशिंग का स्टैंडर्ड होता है 25 लाख होता है कि 25 लाख एक एज से चलेगा, और उसके बाद जब 25 से 28 लाख पे हम लोग क्लीनिंग करते हैं, जब क्लीनिंग में इस नाइफ को जो है रिवर्स कर दिया जाएगा तो वर्किंग एज सेकंड वाला आ जाएगा। और इस चोपर की जो डायरेक्शन होती है ये रिवर्स डायरेक्शन होती है, और सेम चीज़ इसका वैसे ही है जैसे हमने कल बताया था आपको लेवलर के लिए कि अभी माउंट कर दिया गया, उसके बाद में जब बैलेंसिंग के लिए होगा तो बैलेंसिंग के लिए बाहर से आदमी जब बुलाया जाता तो बैलेंसिंग चेक होती है। वैसे फ़िलहाल इस छुरी का जो है सबसे पहले हमने वेट किया था, वेट करने के बाद में बैलेंस करके लगाया हुआ है। आप ये देख रहे होंगे कि 16 380 16 340 16 380 करके सभी का वेट था, तो 16 380 का ही लगाया गया। ये देख रहे होंगे आप 16 380 इसे वेट किया हुआ था, वेट करने के बाद में बैलेंस करके ही लगाया हुआ है। लेकिन फाइनली जो है बैलेंस एक बार बाहर से आदमी आता है फिर वो चेक करता है बैलेंसिंग, उसमें फिर वाइब्रेशन वगैरह भी लिया जाता है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सियल होता है, और उसकी जो डायरेक्शन होती है ये रिवर्स डायरेक्शन होती है। केन का फ्लो हमारा यदि यहाँ पे ऐसे चलता है तो इसकी डायरेक्शन होगी यहाँ से देखेंगे तो क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज में। और इसका अभी हमने क्लीयरेंस लिया, जैसे कल उसका दिखाया था क्लीयरेंस, तो लेवलर का जैसे क्लीयरेंस था 430 आया था, इसका आया हुआ है 1070। वैसे होता है हाफ ही, लेकिन ये थोड़ा सा क्लीयरेंस इसलिए ज़्यादा किया हुआ है, लेवलर पर हमने लोड ज़्यादा दिया है पावर का, तो उसको पिछले साल ही 60 mm जो है डाउन किया हुआ था, तो लगभग में वो 500 था, और ये 1000 के राउंड में, मतलब 1070 है, तो इसको प्लस ही करके करते हैं जिससे कि थोड़ी हमारी क्रशिंग की कैपेसिटी बढ़ जाए। यहाँ से केन का फ्लो होता है और यहाँ पर ये है, और मैं सक्सरिया विश्वास शुगर फैक्ट्री से ही बोल रहा हूँ जो कि सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में है। आप देख रहे होंगे फुल माउंट हो गया है, फुल असेंबली हो चुकी है। अभी इधर के जो साइड के ये प्लेट हैं, इसकी प्लेट की थिकनेस वगैरह चेक करेंगे, जहाँ पर प्लेट की थिकनेस कम होगी उस प्लेट को हटा के फिर दूसरा प्लेट लगाया जाएगा। अभी इसमें और काम है, कुछ साइड की प्लेटें वगैरह हैं उसका भी काम है, और अब ये फाइनल असेंबल हो चुका है। आपका हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।